केस हुआ था करीब 4 दिन पहले, वो केस बहुत सेंसेशनल केस था, आप सभी को पता है। इमीडिएटली हमारे डीसीपी साहब, डीसीपी क्राइम, डीसीपी एसओटी सभी लोग सीन विजिट किए, मैं खुद भी सीन को विजिट किया था। तो उसमें एक महिला वेंकट रेड्डी जिनकी वाइन शॉप है, वो वहाँ से घर जा रहे थे, तो 50 लाख रुपया उससे दो एक्यूज मोटरसाइकिल ये स्कूटर पे आके उसको किक करके लात मार के लेके गए, और इस इंसिडेंट की वजह से बहुत ज़्यादा सेंसेशन भी हुआ। तो उसके कंटिन्यूस इन्वेस्टिगेशन करने के बाद आज उस केस से जुड़े हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उसमें ये मालूम पड़ा कि जो इसमें से एक मेन एक्यूज्ड है नईम, उसने किसी से पैसा लिया था वेंकट रेड्डी के रिलेटिव से 50 लाख रुपया। वो रियल एस्टेट का काम करता है, उसमें थोड़ा नुकसान हुआ या कोई रियल एस्टेट का डील हुआ, 50 लाख रुपया उसने लिया। जब उसने पैसा वापस मांगना शुरू किया वो वेंकट रेड्डी के जरिए, तो नईम ने अपने 3 साथियों के को मिलके ये प्लान बनाया कि कैसे ही पैसा अरेंज करके पहले एक बार उसको दे देंगे, फिर उसके बाद उससे रॉबरी करके ले लेंगे, तो ये प्रॉब्लम खत्म हो जाता। ये स्कीम बना के उसने एक रहीम गौरी और एक उमर बिन हमजा को मेन तरीके से कांटेक्ट किया, और जो उमर बिन हमजा है वो भी रियल एस्टेटर है, उसका छोटा भाई अली पहले जाके बाइक से यामा बाइक, वो बाइक भी सीज हो गई है, उससे जाके पूरी रैकी करके आया। रैकी करने के बाद ये लोग, मैं हम आपका पैसा वापस करने आ रहे हैं ऐसा कह के उसने दुकान पर बुलाया वेंकट रेड्डी ने। जैसे ही इसने पैसा वापस किया नईम ने, इमीडिएटली उमर को फोन किया, और जैसे ही वेंकट रेड्डी ये लोग अपना तैयार होके खड़े थे रेकी करके, और जैसे ही वेंकट रेड्डी वो पैसा लेके वापस अपने घर को गया, तो बीच में उन्होंने उस पर हमला करके उसको लात से मारा और दोनों बैग छीने की कोशिश की। उसके रेजिस्टेंस करने पर, उसने उसको विरोध करने पर, एक बैग वहीं गिर गया 25 लाख, और एक बैग को लेकर ये लोग फरार हो गए। फरार होने के बाद जैसे ही हमने चेकिंग वगैरह करना शुरू किया, इन्फॉर्मेशन निकालना शुरू किया, इमीडिएटली ये जो 3 लोग थे इनमें से बॉम्बे चले गए। रहीम गौरी 5 लाख रुपया लेके बेंगलोर चला गया। इन पर कंटिन्यूसली हमारी नज़र बनी हुई थी। एक फहाद ट्रेवल एजेंट है, उसको इन्होंने कॉन्टैक्ट करके पूरी बात बता के कि हमारे अगर डॉक्यूमेंट्स तैयार हो जाए तो यहाँ से उनसे दुबई फरार हो जाने का प्लान था। तो उस पर हमने एक काम तो ये किया कि NOC तुरंत जारी करवाई, इनकी लुकआउट नोटिस जारी कराया NOC, जिससे कि वो बाहर ना जा सके। दूसरी तरफ उन्होंने ये कागजात जो पासपोर्ट वीसा टिकट वगैरह लेके डिलीवर कराने का बहुत प्लान किया, लेकिन वो प्लान जब कामयाब नहीं हुआ तो ये लोग उसी मर्सिडीज बेंज कार से आज आके उससे मिलके जो है अपने कागजात लेने वाले थे, और उसके बाद यहाँ से देश से फरार होने का प्लान कर रहे थे। उसी प्लान में इंफॉर्मेशन आने के बाद हमारे LO टीम DCP साहब की अगुवाई में और DCP क्राइम और DCP SOT इन तीनों की टीम ने मिलके उनको इंटरसेप्ट किया, 3 लोगों को अरेस्ट किया, और उनकी जब जवाब निशानदेही पर जो ट्रैवल एजेंट फहाद है उसको भी अरेस्ट किया गया, जिसने इन लोगों के लिए ये सारी घटनाक्रम जानने के बावजूद भी, सारी हकीकत जानने के बावजूद भी देश से भागने में इनकी मदद करने की कोशिश की। जिस डील के तहत इसको पैसा दिया गया और वो डील पूरी नहीं हो पाई तो उसने लोन समझ के उसको मैं चुका देता हूँ, फिर जब प्रेशराइज करने पे रॉबरी करने का।